हमारे स्कूल में एक जादूगर आता था, लड़कों को कतार में खड़ा कर लेता था, फिर उसके बाद तालियां बजाता था कि अभी शादी हो रही है, एक तालिब की शादी हो रही है, उसके ऊपर चादर डाली, चादर खोली तो कपड़े भी बदले हुए, रंग डंग अलायदा सुरमा डाला हुआ, अस्सलाम वालेकुम दूल्हे साहब, माशाल्लाह तैयारी कर ली आपने, आप ठीक हो गए, अच्छा जी आपकी दुल्हन भी तैयार करा देते हैं। एक और तालिब इलम पे चादर डाली, थोड़ी देर बाद देखा तो सर से हटा दिया, तो नथना लगा हुआ है, मुर्गियां हैं और ये वो सब तैयार बिल्कुल रेडी, कोई कमी नहीं है, खुदा है। और फिर कह रहे थे कि आप लोग खाना भी तो खाएंगे, तो चादरें बांध दो, ये दो चादरें ऐसी बांध दी, कितने डेग काफी है, छह डेग, चार बिरयानी के पुलाव के, दो जर्दे के, ठीक है ये ठीक है, और चादरें हटा दी तो डेग रखे हुए और चावल पके हुए हैं बिल्कुल, अल्लाह हो बहुत कमाल का जादू करता है। इस पर मैं बहुत हैरान हूं, उसका मोहम्मद हनीफ नाम था उसका, और दरमियान में चलता था, और चलता ऐसा था जैसे डांस कर रहा हो, और कहता था ये जादू नहीं है, हाथ की सफाई है, और यही अल्फाज जादू के, ये जादू नहीं है हाथ की सफाई है, ये जादू के अल्फाज। इसी तरह अगर ये जादू हो तो मुझ पर खुदा की लानत, जो जादू करे वो बाप का बेटा नहीं, ये सब जादू के अल्फाज है, ये तजुर्बा किए हुए अल्फाज है।